जय गोपी प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा गुण गिरी गोवर्धन ब्रज भूमिश वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की गंगा मई यमुना मई की तुलसी देवी भक्ति देवी की समवेद गौर भक्त वृंद की निताई और प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
कष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के कक्षा में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम की कक्षा में, श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 53 श्लोक क्रमांक 51 से 55 पांच श्लोक हैं, लेकिन सारे दोहराएंगे तो फिर दोहराते रह जाएंगे, तो इसलिए हम 51 वाला दोहराते चलें। तां देवमायां इव धीर मोहिनीं सुमध्यमां कुंडल मंडिताननां स्वामां नितांबर पितरत्न मेखला व्यंजत्स्तनिं कुंडल संकितेक्षणां तां देवमायां इव धीर मोहिनीं सुमध्यमान कुंडल मंडिताननां स्वामां नितांबर पितरत्न मेखलां व्यंजत्स्तनिं कुंडल संकितेक्षणां तां देवमायां इव धीर मोहिनीं सुमध्यमान कुंडल मंडिताननां श्यामं नितांबर पितरत्न मेखलां व्यंजस्तनिं कुंडल संकितेक्षणम् शब्दार्थ हम लोग करेंगे, तो आप सब लोग भी साथ में दोहरा सकते हैं। सुचि स्मितां बिंब फलाधरा द्युति शोनायमाना द्विज कुंड कुंडलां पदाजदंदीं कलहंस गामिनी संजात कलानूर धाम शोभिना विलोक्य वीरा मुहुः समागता यशस्विनस्तत्कृत हेक्षयार्दिता यां वीक्ष्यते निरपतयस्तदुदारः व्रीडावलोकरित चेतसोज्जिताश्रुता पेतोषितौ गजरथा स्वगता विमूढा यत्र चलेन हरार्पयान्तिं सशोभम् सैवं शनैश्चलयति चलपद्मकोशौ
प्राप्तिं तदा भगवत प्रशंसमाना उत्सार्य वामकरजैरलकानपाङ्गे प्राप्तान् हिरेक्षतनिपदर्श्य अच्युतं च तां राजकन्यां रथमारुक्षितं जहार कृष्णो दृशतां समीक्षताम्। शब्दा का अनुवाद एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के शिष्य द्वारा शिला प्रभुपाद की ताम उसको देव भगवान की माया माया इव सदृश धीर गंभीर रहने वाले भी मोहिने मोहिने वाली सुमध्यमाम सुमध्यमाम सुदृढ़ कमर वाली कुंडला कान के कुंडलों से मंडेत सुजचित आनना मुख वाली श्यामाम निष्कलुष सौंदर्य नितंब कूले पर अर्पित स्थित रत्न रत्न जड़ित मेखलां करधनी व्यंजन उभर रहे स्तनिम स्तनों वाली पूजी पूरा पड़ेगा इतने पढ़ो ठीक है बाकी शब्द में अनुवाद करते हैं। रुक्मिणी भगवान की उस माया शक्ति की तरह मोहने वाली प्रतीत हो रही थी जो बड़े बड़े धीर गंभीर पुरुषों को भी मोह लेती है। इस तरह राजागण उसके उनके सुकुमार सौंदर्य उनकी सुदृढ़ कमर तथा कुंडलों से सुशोभित मुख को निहारने लगे। उनके कूले पर रत्न जड़ित करधनी शोभा पा रही थी। उनके स्तन अभी उभड़ ही रहे थे और उनकी आंखें उनकी लटकती केश राशि से चंचल लग रही थी। वे मधुर हंसी से युक्त थी और उनके चमेली की कली जैसे दांतों से उनके बिंब जैसे लाल होठों की चमक प्रतिबिंब हो रही थी। जब वे राजहंस जैसी चाल से चलने लगी तो उनके रुंझुन करते पायलों के तेज से उनके चरणों की शोभा बढ़ गई। उन्हें देखकर एकत्रित वीरजन पूर्णतया मोहित हो गए। काम वासना से उनके हृदय विदीर्ण हो गए। दरअसल जब राजाओं ने उनकी विस्तृत मुस्कान तथा लजीली चितवन देखी तो वे सम्मोहित हो गए। उन्होंने अपने अपने हथियार डाल दिए और वे मूर्छित होकर अपने अपने हाथियों रथों तथा घोड़ों पर से जमीन पर गिर पड़े। जुलूस के बहाने रुक्मिणी ने अकेले कृष्ण के लिए ही अपना सौंदर्य प्रदर्शित किया। उन्होंने भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए धीरे धीरे चलायमान कमल कोश रूपी दो चरणों को अपने बढ़ाए। उन्होंने अपने बाएं हाथ के नाखूनों से अपने मुख पर लटकते केश गुच्छों को हटाया और अपने समक्ष खड़े राजाओं की और कनखियों से देखा। उसी समय उन्हें कृष्ण दिख गए। तभी अपने दुश्मनों के देखते देखते भगवान ने राजकुमारी को पकड़ लिया जो उनके रथ पर चढ़ने के लिए आतुर थी। तात्पर्य शिला जीव गोस्वामी के अनुसार रुक्मिणी अपने प्रियतम कृष्ण को देखने के लिए आतुर थी, इसलिए उन्हें चिंता थी कि उनके बालों के गुच्छे उनकी दृष्टि में बाधक ना हो। अभक या असुरगण भगवान के ऐश्वर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं और सोचते हैं कि भगवान की शक्ति उनकी स्थूल इंद्रियों की तृप्ति के नियमित है, लेकिन कृष्ण की अंतरंगा लादिनी शक्ति की अंश रूपा रुक्मिणी को एकमात्र कृष्ण की थी। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ने श्याम प्रकार की स्त्री का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित उदाहरण दिया है। शीत काले भवेत उष्णो उष्ण काले तु शीतला स्थानो सुकतिनौ यस्य श्यामा परिकीर्तिता। वह स्त्री श्यामा कहलाती है जिनके स्तन अत्यंत कठोर होते हैं और उनके सामने आने वाला व्यक्ति जाड़े में अपने को गर्म तथा गर्मी में अपने को शीतल अनुभव करता है।
शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती यह भी इंगित करते हैं कि चूंकि रुक्मिणी का सुंदर रूप भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है, अतः अभक्त गण उसकी ओर नहीं देख सकते। इस तरह विदर्भ में एकत्र बलवान राजा भगवान की माया शक्ति या रुक्मिणी के अंश को देखकर कामुक हो उठे थे। दूसरे शब्दों में भगवान की नित्य संगिनी को देखकर कोई काम मोहित नहीं हो सकता, क्योंकि काम से कलुषित होते ही मन को माया का आवरण आध्यात्मिक जगत तथा उनके निवासियों के आद्य सौंदर्य से विलग करने लगता है। अतः अंत में श्रीमती रुक्मिणी देवी अन्य राजाओं को तिरछी नजर से देखकर लज्जा सी गई, क्योंकि वे उन्हें निकृष्ट जनों की नजरों से अपने नजरे नहीं मिलाना चाहती थी। और इसे पहले वाले श्लोक का भी एक बार अनुवाद पढ़ लेते 47 रुक्मिणी ने जल सुगंध अत्र धूप वस्त्र माला हार आभूषण तथा अन्य संस्तुत उपहार से और दीपकों की पंक्तियों से देवी की पूजा की। उन्हीं के साथ साथ विवाहित ब्राह्मणियों ने उन्हीं वस्तुओं से और नमकीन पुए पान सुपारी जनेऊ फल तथा गन्ने के रस की भेंटे चढ़ाकर पूजा की। स्त्रियों ने दुल्हन को प्रसाद दिया और फिर आशीर्वाद प्रदान किया। उसने भी उन्हें तथा देवी को नमस्कार किया और प्रसाद ग्रहण किया। तब राजकुमारी ने अपना मौन व्रत तोड़ दिया और वह रत्न जड़ित अंगूठी से सुशोभित अपने हाथ से एक दासी को पकड़कर अंबिका मंदिर के बाहर आई। ओम अज्ञान्ति मिरन्दस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नामिने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत शिराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी शिराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपेश कृपा सिंधु वेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहता हूँ, जिससे कि श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय के जिसका शीर्षक कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण, उसके ऊपर कुछ चर्चा कर सके, विशेष करके प्रेम नामरू और अन्य वरिष्ठ भक्तों का, क्योंकि ये सारे जो विषय वस्तु हैं ये सिर्फ शुद्ध भक्तों को ही चर्चा करने का अधिकार है और हम उनके आशीर्वाद प्राप्त करके कुछ दोहरा सकते हैं जो उन्होंने बोला है, तो वो सही से दोहरा सके इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं। हरे कृष्ण। यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से रुक्मिणी जी का जो उसको बोलते हैं पेशेंस या फिर जो वेट कर रही थी वो धैर्य है ना, वो धैर्य था और कि कृष्ण आएंगे, और उसके बाद अब वो क्षण आ गया है जहां पे वो कृष्ण को देख रही हैं और कैसे कृष्ण वहां पे आ चुके हैं
और उस जगह तब रुक्मिणी जी बाहर निकल रही हैं उस मंदिर के, अंबिका के मंदिर के प्रांगण से। तो बाहर निकलते निकलते उनकी जो सुंदरता है उसका वर्णन इन श्लोकों में किया गया है। और उन सुंदरता के बारे में हमारे गोस्वामियों ने बहुत सारा टिप्पणी भी दिया है, जैसे हमने तात्पर्य में पढ़ा जीव गोस्वामी विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर इत्यादि। और उसमें एक और चीज बताया है कि किस प्रकार से जब रुक्मिणी जी बाहर निकल रही हैं तो बहुत धीरे धीरे चल रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि कोई भी जो राजा है कृष्ण के अलावा उनको देखे, क्योंकि उनको पता है जो उनकी सुंदरता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, कृष्ण के लिए। और इसीलिए वो किसी राजा को नहीं चाहती कि उनकी सुंदरता को देखे, और वो भी किसी राजा को देखना नहीं चाहती, वो भी सिर्फ कृष्ण को ही देखना चाहती है। तो और तात्पर्य में श्री जीव गोस्वामी स्टार्टिंग में प्रथम में ही बता देते हैं कि किस प्रकार से जो कृष्ण की हलादनी शक्ति है, जो कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली शक्ति है, वो कृष्ण के आनंद के लिए बनी है स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत में। लेकिन जब कोई बद्ध जीवात्मा उस शक्ति का आनंद भोगने की इच्छा करता है तो क्या हो जाता है, तो वही शक्ति जो भगवान की हलादनी शक्ति आध्यात्मिक जगत में, वो क्या बन जाती है, मायादेवी बन जाती है। जैसा हम लोग सुनते हैं बहुत बार, कृष्णा बहिर्मुख हया भोगवांचा करे निकटस्थे माया झपटिया धरे। तो जैसी जीव कृष्ण की हलादनी शक्ति को भोग करने की इच्छा करता है तो वो किसके अंदर आ जाता है, माया के अंदर। और यहाँ पे भी जीव गोस्वामी यही बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो रुक्मिणी जी की सौंदर्य था वो कृष्ण के लिए बना था, लेकिन वहां पे जो राजा थे उन लोगों ने सोचा कि हम इसको भोग करेंगे, और इसलिए उनका जो असली सौंदर्य था वो उन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन माया रूपी जो अपना रूप है ना, वो उन राजाओं को दिखाया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है किसी भी साधक के लिए और किसी भी बद्ध जीवात्मा के लिए, कि वो ये समझे कि किस प्रकार से इस जगत की ही नहीं, आध्यात्मिक जगत की सारे जो वस्तुएं बनी है उसका स्वामी सिर्फ एक ही है, वो कौन है, कृष्ण। हम सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए वो वस्तु कृष्ण की सेवा में लगाने का ही कार्य कर सकते हैं, लेकिन उस वस्तु को भोगने की इच्छा करेंगे तो क्या होगा, तो ऐसा बताते हैं कि उसी भोगने की इच्छा के कारणवश जो जीवात्मा है, सॉरी जो जीव है, जो आत्मा है, वो उस भौतिक, उस आध्यात्मिक संसार से इस भौतिक संसार में आ गई, और यही इच्छा को लेके इस भौतिक संसार में जीवात्माएं घूम रही हैं। जैसे एक बार परम पूज्य जयद्वैत महाराज से बोला गया, महाराज जी कभी कभार हम देखते हैं कुछ पुण्यवान आत्माएं यहाँ पे हैं, तो जैसे वो प्रश्न पूछ ही रहा था भक्त, महाराज जी ने बोला, पुण्यवान रुक जाओ, पुण्यवान आत्मा यहाँ पे आती नहीं है, यहाँ पे जो जीवात्मा आई है मतलब क्या है, तो वो पाप की नजरिए से आई है, पाप की दृष्टि से आई है, क्योंकि इस जगत में आने का मतलब ही है कि भगवान की शक्तियों को भोगने की इच्छा से आई है। तो वैसे ही इच्छा से जब जीवात्मा यहाँ पर आती है तो माया देवी भी उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए उसका बहुत सहयोग करती है, और वो ऐसे सहयोग करती है कि वो जीवात्मा को लगता है कि अभी मेरी इच्छा बस पूरी हो ही गई है, अभी बस आनंद मिल ही जाएगा, लेकिन फिर वो अंत में जो उसका परिणाम निकलता है वो एकदम विपरीत निकलता है, और जीवात्मा को माया देवी इतने अच्छे से दंड देती है कि वो जीवात्मा को पता भी नहीं चलता है कि मेरी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो रही है ना, वो चकमा दे देती है ऐसा करके। प्रभुपाद जी पुरंजन के उपाख्यान में ऐसा एक श्लोक आता है उस उपाख्यान में, कि कैसे पुरंजन के बारे में बताया जाता है कि वो इतने बड़े हीरो थे लेकिन भगवान की माया शक्ति के आगे जीरो हो गए। तो अच्छे अच्छे हीरो भी इस संसार में जीरो जाते हैं भगवान की माया शक्ति के सामने। और प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, बोलते हैं एक एंटोनी था रोम का, वो एंटोनी भी वो भगवान की माया शक्ति के आगे झुक गया। और वैसे ही प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भारत में भी बाजीराव जी थे महाराष्ट्र के, वो भी भगवान की माया शक्ति के आगे झुक गए। और हम भी देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे
इस जगत में ऐसे बड़े बड़े महान महान योद्धा हुए हैं जो भगवान की माया शक्ति के आगे हार मान जाते हैं, क्योंकि ये माया शक्ति बनाई ऐसी गई है। और हम देखेंगे कि जब तक जीवात्मा ये स्वीकार नहीं कर लेती कि ये जो भी पूरी शक्ति है भगवान के ही एंजॉयमेंट, यानी भगवान को ही प्रसन्नता आनंद प्रदान करने के लिए बनी है, मेरे को आनंद प्रदान करने के लिए नहीं बनी है, तब तक जीवात्मा इस संसार में दुख के ऊपर दुख भुगती रहती। और यही चीज अर्जुन ने जब भगवान से पूछा कि भगवान हमको पता है शास्त्रों में तो सब कुछ दिया हुआ है कि गलत काम नहीं करना है, सही काम करना है, और ये चीजें करेंगे तो दुख मिलेगा, ऐसा ऐसा करेंगे तो सुख मिलेगा, लेकिन फिर भी हम गलत काम क्यों कर देते हैं अपनी इच्छा के विपरीत, है ना। अर्जुन ने बोला अथ के न प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष अनिच्छम अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। ऐसा लगता है कि भगवान कुछ बल पूर्वक हमको खींच लेते हैं गलत काम करने के लिए, क्योंकि हम इतना सुन रहे हैं कि भगवान की ही शक्ति भगवान के ही आनंद के लिए बनी है, लेकिन फिर हम उसको अपने आनंद के लिए क्यों प्रयोग कर लेते हैं। तो भगवान उत्तर देते हैं, कामेश क्रोधेश रजो गुना समुद्भव महाशनो महापापमा विद्य एनम इह वैरिणाम। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन देखो, ये जो एक नित्य वैरी है, जो बहुत बड़ा हमारा दुश्मन है, वो है काम। क्योंकि हम भगवान को सेवा करने की इच्छा को भूल चुके हैं, इसके लिए हमारे अंदर कौन सी इच्छा जागृत हो गई है, काम की इच्छा जागृत हो गई। और वो काम की इच्छा ऐसी है कि अच्छे खासे बलवान व्यक्ति को भी कैसे खींच लेती है, ऐसा खींच लेती है जैसे पहले भगवान ने उदाहरण दिया है इंद्रियों का, तो बताते जिस प्रकार से एक जो बोट होती है, एक नाव होती है सागर के अंदर, वो हवा के झोंके से कैसे वो नाव का जो पूरा ट्रैजेक्टरी या जो उसका रास्ता है वो बदल जाता है, तो वैसे ही ये काम के प्रभाव से क्या होता है, जो जीवात्मा है ना वो कार्य कर देती है जो कार्य उसके लिए वर्जित है। और इसलिए एक साधक को बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये काम कैसे काम करता है ये जाने, है ना। क्योंकि एक बार पर राधेश्याम प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे कभी आप एनसीसी में जाएंगे, वहां पे क्या होता है, आर्मी में भी वहां पे किसी जो सैनिक होता है उसको कभी कभार इतना बोझ उसके ऊपर डाल देते हैं और फिर उसको बोलते हैं कि भागो, तो वो सैनिक बहुत कोशिश करता है भागने लेकिन भाग ही नहीं पाता है इतना तेजी से, क्योंकि उसके ऊपर इतना बोझ है। तो उसी प्रकार से राधेश्याम प्रभु बता रहे थे कि अगर जो साधक भक्ति का पालन कर रहा है और उसके अंदर ये काम की जो वासनाएं वो बढ़ रही है, तो क्या होगा, वो भक्ति में प्रगति करने की बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन कर ही नहीं पाएगा, बहुत धीर हो जाएगा। वैसे एक और उदाहरण दे रहे थे, वो दे रहे थे कि ट्रक का, है ना, जो कभी कभार हम ट्रक देखते हैं यहाँ पे जाते हैं, तो कुछ ट्रक हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में सामान बोझा है, लेकिन कुछ ट्रक जो ओवरलोडेड है, वो ट्रक चलते हैं तो कैसे चलते हैं, आवाज आती है ऐसे करके आवाज आती है, और वो बहुत धीरे धीरे ट्रक आगे बढ़ रहा होता है, और आगे ही नहीं बढ़ पाता वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ क्या धुआं भी छोड़ता रहता है, ना बहुत ज्यादा धुआं भी छोड़ता रहता है, और फिर कहीं चढ़ान आ गई तो पूरा नीचे आ जाता है, चढ़ नहीं पाता है ना। तो ऐसी परिस्थिति हो जाती है एक साधक की भी, जो ये काम वासनाओं को अपने जीवन में कंट्रोल नहीं करता है। प्रभुपाद जी बता दे दो प्रकार के हीरो होते हैं, एक हीरो वो होता है जो इस भौतिक संसार में अपनी काम वासना को पूर्ति करने के लिए काम करता है और बड़ा बड़ा जो उपलब्धि वो प्राप्त कर लेता है, जैसे कोई बड़ा फिल्म स्टार बन जाता है या कोई बड़ा पॉलिटिशियन या बड़ा कोई भी प्रतिष्ठित सो कॉल्ड प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाता है संसार का, वो भी हीरो है, लेकिन वो किन लोगों के लिए हीरो है, जिनको अपने इंद्रियों पे संयम नहीं है, जो काम वासना के वशीभूत होना चाहते हैं। लेकिन दूसरा हीरो कौन है, तो प्रभुपाद जी बताते हमारे गोस्वामी, जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है ना, अपने इंद्रियों को वश में कर लिया। तो हमारे को भी अपने जीवन में देखना है कि किस प्रकार से हम ऐसे गोस्वामियों को अपने जीवन में का हीरो बनाए, और हीरो नहीं बनाए, उनसे देखे, उनसे सीखे कि कैसी ये काम वासनाओं को उन्होंने कंट्रोल में करके रखा। और भगवान तो आगे जाके अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन देखो, ये जो काम वासना है ना, ये काम वासना ऐसी है कि आप एक बार इसको पूर्ति करेंगे ना, तो ऐसा नहीं कि शांत हो जाएगी, एक बार पूर्ति करेंगे तो क्या होगा,
वो काम करने की इच्छा और ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। वो उसमें भागवत में उदाहरण आता है कि कैसे अगर किसी को खुजली होती है कहीं पे, है ना, तो स्टार्टिंग में उसको खुजली होती है तो उसको लगता है कि अरे खुजाऊंगा तो अच्छा लगेगा, और वाकई में एटलीस्ट मेरे को तो ऐसा अनुभव है, आप लोगों को पता नहीं, लेकिन जब ऐसे कहीं खुजली हो जाती है और हम उसको नाखून से ऐसे खुजलाते हैं तो बहुत आनंद आता है। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है इतना ठंडा, माय गॉड, मतलब इससे अच्छा और कोई आनंद है ही नहीं पूरे संसार में, और उसको खुजलाते हैं खुजलाते खुजलाते, और जैसे खुजाना छोड़ते हैं वैसे इतना उसमें जलन लग जाता है और इतना ज्यादा, और उसको खुजलाया तो उसमें वहां पे खून भी आने लग जाता है कभी कभार, और ज्यादा जो वो खुजली होती है और भी ज्यादा वर्स्ट हो जाती है और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वैसे इंद्रिय तृप्ति है संसार की, हमको लगता है कि एक बार हाँ बोल देता हूं उसको, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बार तो देखना है, लेकिन एक बार से क्या हो जाता है, वो बार बार करने की इच्छा हमारी बढ़ जाती है। परम पूज्य राधानाथ महाराज बताते हैं कि अगर अग्नि में आप उसका ईंधन डालेंगे तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अग्नि अभी क्या है बुझ जाएगी, है ना। अग्नि में कितना भी ईंधन डालते रहेंगे वो उतनी ज्यादा और बढ़ती रहेगी। तो ये साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखिए भगवान ने एकदम स्पष्ट रूप से अर्जुन को ये बता दिया है कि अर्जुन देखिए कि एक ही चीज है जिसकी वजह से जो साधक है वो ना चाहते हुए भी गलत काम करता है, और वो क्या है, काम, है ना। तो इसका मतलब वो काम वासना से जो साधक है वो भी बहुत ही ज्यादा विचलित हो सकता है, पर हम जो डिवोटिस हैं उनको ये काम वासना कभी परेशान नहीं करती, और जो इस भौतिक संसार में पड़े हुए हैं उनको भी ये काम वासना परेशान करती है, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि परेशान कर रही है। लेकिन साधक के लिए ये काम वासना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसा बताते हैं जो कामदेव है उसके उनके पास 5 प्रकार के बाण है। तो पहला बाण बताते हैं इन्फैचुएशन का। इन्फैचुएशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, ठीक है, तो कुर्माता प्रणीत तो वो बता देते हैं हमारे को संस्कृत में क्या होता है, मदान बोलते हैं, ठीक है चलेगा, हम उसके ऊपर बाद में चर्चा करें। तो उसमें बताते हैं कि कैसे वो सबसे पहला बाण क्या होता है ना, हम उस इंद्रिय तृप्ति की वस्तु के बारे में सोचने लगते हैं। तो एक बार एक भक्त उदाहरण दे रहे थे कि आजकल इंद्रिय तृप्ति की वस्तु पहले तो बहुत दूर रहती थी, हमको बाहर जाना पड़ता था, लेकिन आजकल इंद्रिय तृप्ति की वस्तु ये पास में आ गई है मोबाइल के रूप में। तो बोले कि सबसे पहले क्या होता है, हम सोचते हैं कि मोबाइल में क्या क्या कर सकते हैं, उसमें इंटरनेट ब्राउजर भी है, उसमें यूट्यूब भी है, उसमें ये मैसेंजर है वो मैसेंजर है, बहुत कुछ है, तो हम उसके ऊपर सोचना शुरू करते हैं, है ना, ध्यायतो ध्यान लगाते हैं कि कैसे वो मोबाइल मेरे को आनंद प्रदान कर सकता है। और ये लैपटॉप में भी यही चीज है, ऐसा नहीं कि लैपटॉप में नहीं, और किसी भी इंद्रिय की तृप्ति की जो वस्तु है ना वो भी यही है। पहले हम लोग उदाहरण दिया करते थे कि हम रास्ते में जा रहे हैं और कहीं दुकान में गुलाब जामुन मिले हमको दिखे, है ना, तो गुलाब जामुन दिखते हैं तो व्यक्ति उसके ऊपर ध्यान लगाना शुरू करता है कि कैसे वो गुलाब जामुन गोल गोल दिख रहा है, बहुत ब्राउन भी लग रहा है, बहुत अच्छे से उसको पकाया और रसेदार भी लग रहा है, उसका रस भी लगता है बहुत अच्छे से, उसमें सब कुछ अंदर डला हुआ है, तो ऐसे ध्यान करना शुरू करते हैं। ओके, फीस तो कल हो गई ऑलरेडी। तो जब ऐसे ध्यान करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, वो जो इन्फैचुएशन होता है वो एजिटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी आपने ध्यान किया तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि हम उसके पास जाए बिना, उसको प्राप्त करने बगैर रह नहीं सकते। तो जैसे मोबाइल के ऊपर ध्यान लगाए कि मोबाइल ऐसा ऐसा कर सकता है, तो तुरंत मोबाइल को हाथ में लिए बगैर हम रह नहीं सकते, और उसको खोले बगैर ब्लॉग तो रह नहीं सकते बिल्कुल भी, ऐसे किसी भी वस्तु के लिए। तो उसमें गुलाब जामुन बताते हैं कि कैसे हम फिर उस दुकान पे तो चले ही जाते हैं कम से कम, और पूछते भैया कितने का है बता दो, है ना, क्या पता हो मेरे पास पैसे दिए हो टेंपल कमांडर ने, कहीं से मिले हो, क्योंकि वो काम का एक के बाद एक बान वो हमारे को ऐसे देख के एकदम शूट कर रहा है वो कामदेव। उनको पता है कि ये व्यक्ति ऐसे बानों से ना एकदम लज्जित हो जाएगा। काम वासना ये समझना बहुत जरूरी, क्योंकि हम साधक हैं, हमको मना करना है उसको। फिर क्या होता है, फिर जैसे ही वो काम वासना हमको सोचते हैं और उसके पास ले जाती है, वो इंद्रिय तृप्ति की वस्तु के पास ले जाती है, तो तीसरी चीज क्या होती है, वो तीसरी चीज हो जाती है हमारी स्मृति विभ्रमा हो जाती है।
जो हमारी बुद्धि उसका नाश हो जाता है और हम समझ नहीं पाते कि सही क्या है और गलत क्या है ना। तो मोबाइल में भी जैसे उदाहरण दिया गया है मोबाइल का, क्यों? क्योंकि हम समझ सकते हैं, प्रभु जी भी आ गए, वो संस्कृत वाले वर्ड बता देंगे। तो बुद्धि विप्रमा मतलब हम ये नहीं जानते कि वो मोबाइल में जो यूट्यूब है उसमें बहुत सारी वीडियोस है, उसको नहीं देखना है मेरे को, क्योंकि वो मेरे काम की वीडियो नहीं है, कुछ सेवा के लिए उसको प्रयोग नहीं कर रहा हूं मैं। या फिर जो फेसबुक पे इतने सारे पोस्ट आ रहे हैं उनको नहीं क्लिक करना है मेरे को, क्योंकि उसका यूज नहीं है मेरे को। या फिर और भी बहुत सारी चीजें जो अभी नई नई आ गई है उसमें, टिकटॉक और दो बहुत सारी चीजें, तो हम उसको मना नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं, हमारी बुद्धि नाश हो जाती है और हम क्या करते हैं, हम बिना वजह उसको खोल के देखने लग जाते हैं, है ना। तो अभी सोचिए आप कोई काम कर रहे बिना वजह, है ना, जैसे वो प्रभुपाद जी को उदाहरण देते ना उसका, कि कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है बुद्धू मल, है ना, वो क्या है गाड़ी चला रहा है, उसे पूछो कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ गाड़ी चला रहा हूँ अभी मैं, स्पीड ब्रेकर को एक्सीलेटर दे रहा हूँ, है ना। बोलते अरे लेकिन फिर भी क्यों दे रहे हो एक्सीलेटर, जा कर रहे हो। बोलते अरे चुप, दिख नहीं रहा सामने ट्रैफिक है, चला रहे हो। तो व्यक्ति बोलते कहाँ जा रहे हो, तो बोलते ये तो मेरे को पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ लेकिन जा रहा हूँ कहीं। तो ये स्मृति विभ्रम हो जाती है ना। वो गुलाब जामुन वाले उदाहरण हम बताते थे कि कैसे वो व्यक्ति जाता है और वो पूछता है कितने का है गुलाब जामुन, तो दुकानदार बोलता है कि भाई देखो ये गुलाब जामुन 10 रुपए का है, और उसको पता है कि मेरे पास घर वहां से आश्रम से या कहीं से भी मंदिर से सिर्फ 20 रुपए ही दिए हैं, कुछ सामान खरीदना है मेरे को, अगर मैं 10 रुपए का गुलाब जामुन खा लूंगा तो फिर वो सामान नहीं खरीद पाऊंगा मैं। लेकिन फिर भी क्या करता है वो व्यक्ति, वो 10 रुपए दे के वो गुलाब जामुन खा लेता, क्योंकि उसकी स्मृति एकदम बुद्धि नाश हो गई ना, तो वो कुछ कर नहीं पाता, है ना। उसके बाद क्या होता है, जब तीन एरो तीन तीर जो कामदेव चला देते हैं, तो चौथा तीर क्या चलाते हैं, चौथा तीर क्या होना चाहिए, अभी हमने कोई भी काम वासना को पूर्ति किया तो हमारे अंदर क्या भाव आना चाहिए, संतुष्टि का भाव आना चाहिए। लेकिन जो कामदेव है वो चौथा तीर चलाते हैं असंतुष्टि का, मतलब कि इतना हमने प्रयास किया, वो मोबाइल सब कुछ यूज किया हमने, 1 घंटा 2 घंटा बहुत सर्फिंग किया, लेकिन उसके बाद क्या आता है, इतना समय बिता दिया, 2 से 4 बजे प्रसादम का समय खा, 2 से 4 में भागवतम पढ़ता है या कुछ तो पढ़ता है ऐसा, फिर पश्चाताप होता है कि क्यों ऐसा कर दिया, है ना। वैसे वो गुलाब जामुन वाले को भी ऐसा लगता है अरे क्यों खा लिया, मंदिर में तो फीस था वो फिर नहीं बनी थी कल इतनी सारी, क्यों मैंने गुलाब जामुन को और 10 रुपए भी चले गए, अभी मैं कैसे सामान खरीदूंगा जो टेम्पल कमांडर ने 20 रुपए का सामान खरीदने के लिए दिया है। फिर वो कुछ ना कुछ तिकड़म लगाने लगता है कि दुकान बंद थी या नहीं जा पाया रास्ता ऐसा, तो वो क्या होता है, वो जो उसका फल होना चाहिए संतुष्टि का, वो संतुष्टि मिलती नहीं है, असंतुष्टि और बढ़ जाती है ना। ये चौथा जो बाण है उसका। और पांचवा बाण जो कामदेव जब भेजते हैं तो व्यक्ति क्या होता है, उसे सहन नहीं होता कुछ भी, और वो ऐसा बोलते हैं कि भौतिक जगत में तो व्यक्ति क्या करता है, सुसाइड ही कर लेता है पूरा, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भी हम देखते हैं कि जो व्यक्ति जो भक्त है जब वो साधक करके पांचवा बाण का अटैक हो जाता है तो उसका भक्ति में जो उत्साह होता है वो पूरा नष्ट हो जाता है ना। फिर उसको कुछ करने का मन नहीं करता, यही वो राधे श्याम को बता रहे थे कि उसके अंदर काम इतना ज्यादा हावी हो गया कि वो अपना हाथ तक नहीं उठा सकता है तब कोई भक्त कीर्तन कर रहा है, क्योंकि उसका मन पूरा असंतुष्ट हो गया है, अशांत हो गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं मैं। और इसका फल क्या हुआ, उसका भक्ति का जो उत्साह है वो पूरा नष्ट हो गया। ये है काम का प्रभाव। और ये काम का प्रभाव ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, भागवतम में भगवत गीता में बहुत सारे श्लोक के ऊपर श्लोक बताए गए हैं इसी के प्रभाव को जानने के लिए। एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज से एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा, बोला कि महाराज जी ये अच्छा नहीं लगता, आप तो साधु हैं, ये सारी बातें करना आपको अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता, आप क्या बता रहे हो, काम वासना अच्छी 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 बातें बताइए, कृष्ण की लीला, कृष्ण ने मटकी फोड़ी, माखन चोरी, ऐसी अच्छी अच्छी चीजें बताओ, है ये सब काम वाम तो ठीक है, तो बाहर के लोग हैं अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन महाराज जी ने बोला देखो बाहर के लोग बात नहीं करते हैं लेकिन काम के वश में हो जाते हैं, लेकिन भक्त अगर इसके बारे में बात करेंगे ना, समझने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो काम के वश में आने से बच सकते हैं। इसलिए हमको चर्चा, और इसलिए भागवतम में भी ये चर्चा की गई है, एक जगह ऐसे ही बता रहे थे कि क्यों भागवतम में पुरंजन महाराज का
ययाति महाराज का, इन सब का उपज्ञान दिया हुआ है, क्योंकि उसमें पता है सुखदेव गोस्वामी को भी और अन्य आचार्य को भी कि किस प्रकार जो साधक है उसके जीवन में ये जो काम वासना है ना, ये उसको पीछे पकड़ के रखती है। अच्छा, और ये काम वासना जो है बहुत ही अच्छे तरीके से विभिन्न विभिन्न तरीके से काम करती है। कि काम वासना मतलब ये नहीं कि खाली स्त्री का पुरुष और पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण, ये ही खाली काम वासना नहीं है। काम वासना किसी भी वस्तु के प्रति हो सकती है, किसी भी इंद्रियों को सुख प्रदान करने के लिए वो काम वासना हो सकती है। और ऐसा बताया गया कि इंसान की तो 5 इंद्रियां जो है जो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस वो बहुत ही प्रबल है, फुल्ली विकसित, मतलब पूरे तरीके से उसका विकास हो रखा है। और जानवरों में भी ये एक एक इंद्रिया है, लेकिन एक एक इंद्रिया एक एक जानवर को पूरा खत्म करने के लिए काफी रहता है ना। तो प्रभुपाद जी ऐसे तात्पर्य में आगे जाके बताते भी हैं कि कैसे जो एक वो है इंद्रिय है वो है आंखों की सुंदरता देखने वाली जो इंद्रिय है हमारी भी है, वैसे एक कीड़ा होता है मौत को क्या बोलते हैं, पतंगा। हाँ, तो जो पतंगा होता है उसको क्या होता है, वो बाहर है और उसको घर के अंदर कोई लाइट जल रही है या फिर रात में कुछ आग जल रही है अंदर, कुछ भी हो रहा है, तो उसको बहुत मन करता है कि उसकी तरफ मैं जाऊं, कितना सुंदर लग रहा है मेरे को, तो वो आकर्षित हो जाता है उस रोशनी के प्रति और वो पूरा प्लान बनाता है कि मैं जाके उस रोशनी के साथ मिल जाता हूं। और फिर ऐसा बताते हैं कि वो पूरा स्पीड से एकदम एरो अपना निशाना बना के टारगेट फिक्स करके पूरा स्पीड से आता है, और जैसे ही वो आता है वैसे ही रास्ते में क्या हो जाता है, उसको खिड़की मिल जाती है और वो आता है पूरे फुल स्पीड से और वो मतलब टकरा के वो खिड़की से नीचे गिर जाता है, लेकिन होश संभालता है, वापस रिसेट हो जाता है, फिर वापस आता है और करके टकरा के नीचे गिर जाता है ना। और कभी कभार क्या होता है, वो कंपटीशन भी करता है ना, क्योंकि और भी बहुत सारे उसके यार दोस्त जाने की कोशिश कर रहे हैं वो फायर के पीछे, तो वो जब उड़ रहा है तो टारगेट तो उसका है इंद्र दीप्ति, लेकिन साइड वाले से भी कॉम्पिटिशन कर रहा है, उससे फास्ट जाना है फास्ट जाना है फास्ट जाना है, तो दो लोग क्यों क्यों और सब लोग जाके टकराते सब नीचे गिर जाते हैं ना। तो ऐसा हमारे भौतिक संसार में भी हमारे साथ होता है ना। वो बता रहे थे कि कैसे लोग बहुत मेहनत करते हैं, क्यों मैं ये मिस्टर या मिसेस या जो भी कुछ है वर्ल्ड का बनना चाहिए है ना, मैं सबसे ताकतवर व्यक्ति, मैं सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है ना, सिद्धो हम भोगी है ना, वो वाला जो श्लोक आता है, सबसे ताकतवर व्यक्ति में ही, सबसे इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति में ही, और उसके लिए कॉम्पिटिशन भी करते हैं ना। हम देखते हैं कि कैसे इलेक्शन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें टेस्ट दिया जाता है, उसमें बहुत मेहनत करते हैं और अंत में जब वो प्राप्त कर लेते हैं, वो प्राप्त करने के बाद क्या होता है, तो वो बताते हैं वो जो पतंगा भी जो है, मान लीजिए खिड़की खुली हुई उस दिन और एक दिन वो आया टारगेट से और वो टकराया नहीं खिड़की से, लेकिन सीधा चला गया किसके अंदर, आपके अंदर, और वहीं पर उसका पता भी नहीं चलता, इतनी छोटी सी आवाज आती है, वो SMS से भी सॉफ्ट वॉल्यूम की आवाज आती है और उसकी डेड बॉडी भी मिल नहीं पाती हमको है ना, वो खत्म हो जाता है। तो सिर्फ एक इंद्री आंखों वाली, और हम देखते हैं वो आंखों की जो इंद्रिया हमारी दृष्टि की वो कितनी प्रबल है, इस संसार में जो बहुत ही सुंदर सुंदर वस्तु है उनको देखने की इच्छा कितनी ज्यादा, वो हमको आंखों की जो इंद्रिया है वो हमको नष्ट कर सकती है हमारी भक्ति के लता जो बीज है, और उसके बाद फिर कुछ समझ में नहीं आता। और विशेष करके आजकल जब हमको इतनी सारी वस्तुएं उपलब्ध हैं बाहर नहीं, प्रभुपाद जी लिखते हैं अजामिला के उपाख्यान के तात्पर्य में कि पहले तो वो अजामिल तो जंगल में गया था अपने गांव के बाहर, तब उसको ऐसा दृश्य मिला, वो क्या कहते हैं शुद्र शुद्रानी आपस में है ना कुछ भोग कर रहे थे, लेकिन आजकल तो ऐसा दृश्य शहर के अंदर ही देखने को मिल जाता है, प्रभुपाद जी ऐसा लिखते हैं, लेकिन उस टाइम पे स्मार्टफोन नहीं था तो प्रभुपाद जी शायद से नहीं लिख पाए कि आजकल तो ऐसा दृश्य आप मोबाइल में भी देख सकते हैं है ना। तो ये चीजें सुनने में हमको बहुत अजीब सा लग सकता है, लेकिन ये सच्चाई है जिसके वजह से हम भी उसके वशीभूत हो सकते हैं कोई साधक का, और वो कीड़े के जैसे पतंगे के जैसे वो मर सकते हैं। दूसरा उदाहरण दिया जाता है मछली का, तो मछली क्या होती है, वो पानी में होती है और जो मछुआरा होता है वो एक हुक होता है ऐसे करके है ना,
अगर आपने देखा है हरि प्रेम वगैरह बता सकते हैं, यहाँ पे पहले नाले में लोग पकड़ते थे मछली ना, बंसी बोलते हैं। हाँ क्या बोलते हैं, मछली पकड़ने वाला बंसी, बंसी अंकुश टाइप, हाँ अंकुश टाइप का करेक्ट। तो ऐसा होता है और उसके अंदर कीड़े को ऐसे डाल देते हैं और फिर उसको वहां पे डाल देते हैं पानी के अंदर, और वो मछली देखती है कि ये कीड़ा आ रहा है और अपने आप आ रहा है, कुछ प्रयास भी नहीं किया मैंने, है ना, मतलब कि ये किसके लिए बना है, मेरे लिए बना है, है ना। और हम बहुत सारे गाने भी सुनते थे पहले आने से, कि कैसे लोग गाने गाते थे कि कैसे तुम मेरे लिए बने हो, मैं तुम्हारे लिए, ऐसा बहुत कुछ गाने वगैरह भी गाते थे। तो वही उसको लगता है कि ये जो इंद्र तृप्ति का सुख है अपने आप आ रहा है बिना प्रयास के, मतलब किसके लिए बना है, मेरे लिए बना है। और फिर वो मछली जाती है वहां पे, और मछली वो भी कंपटीशन करती है उस सुख को प्राप्त करने के लिए भी, और फिर किसी तरीके से वो देखती है कोई भी नहीं है, और वो कीड़ा के साथ वो जो क्या वो मेरे को मिली और वो उसको ले लेती, और लेके पीछे भागने लग जाती अपने घर में जहाँ पे भी वो एंजॉय करना चाहती होगी उसको। लेकिन वो ये भूल जाती है कि नथिंग नो सेंस ग्रेटिफिकेशन कम्स फ्री, है ना, कोई भी इंद्रिय तृप्ति फ्री नहीं आती, उसमें स्टार मार्क रहता है, कंडीशन अप्लाई रहता है ना, हमको पता नहीं चलता कभी कभार, लेकिन वो कंडीशन तो उसमें रहती है। जैसे फ्री वाईफाई या फ्री है, ऐसा नहीं है, हम उसके लिए बहुत कुछ दे रहे हैं, है ना, या तो अपना महत्वपूर्ण समय दे रहे हैं, या तो फिर अपना मूल्यवान जो हमारी मनुष्य जीवन में जो हमारे को शक्ति मिले वो दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हम दे रहे हैं उसके लिए, फ्री में नहीं है वो। और वही मछली समझ नहीं पाती है, और वो जो कीड़ा होता है तो वो उसको खाने लगती है, तो हुक खींचता है और फिर मछुआरे को पता चल जाता है कि वो फंस गई, और फिर उसको खींचना शुरू करते हैं, और भी वो मछली के अंदर वो हुक ऐसे अंदर अटक जाता है उसके, है ना, गले में, और वो मछली कुछ नहीं कर सकती, वो हुक उसको खींचता रहता है, खींचता रहता है, खींचता रहता है, और मछली भी चली जाती है, और मछुआरा उसको बाहर निकालता है और उसको रख लेता है अपनी टोकरी में, उसको फिर बेच के जो भी कुछ करता है, ऐसा उसको पकड़ लेता है। ये है जीव की, है ना, जीव की दिशा, और हमको पता है कि वो कैसे काम करता है ना, कभी कभार फीस्ट होती है तो हम एक के बाद कितना सब खा लेता है, ऐसा हमने सुना है, पता नहीं, लेकिन कि एक बार तो एक फीस्ट में भक्तों ने इतना हलवा खा लिया था, इतना हलवा खा लिया था कि वो बेहोश होकर नीचे गिर गया, ऑपरेशन करके गले से हलवा निकालना पड़ा उसका, इतना ज्यादा हलवा। और ऐसा होता है, हमने भी देखा है, वो खाने वक्त किसी तरीके से तो एडजस्ट करके वो एक भक्त क्या किया, उसने खाया और फिर खड़े होके कूदने लगा, मैं क्या हो गया, हरी बोल तू टेम्पल वाले करना है, बोला नहीं अंदर भेज दो जिससे जगह बन जाओ खा सकते हो। तो वो जीव के लिए भी है ना, और उसके ऊपर तो इतना सारा हमारे गोस्वामी ने लिखा हुआ भी है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी है ना, जीवा वेगम के बारे में बताया गया कि कैसे जीव का है। तो उसके लिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि सबसे पहले तो प्रसाद ही खाना चाहिए हमको, और फिर प्रसाद के बाद बताते हैं कि कैसे जो ओवर ईटिंग हमको नहीं करना, त्याग आहार नहीं करना चाहिए, है ना, तो ऐसे करके वो खींच लेता हमको। तो वैसे ही हमको भी यहाँ पे कुछ इंद्र तृप्ति मिलती है, लेकिन वो मछली की जैसे हम भी कभी कभार अगर उसको ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश में, ज्यादा उसको देखें कि फ्री में मिल रहा है और चले जाए, तो फिर बहुत डेंजर हो सकता है हमारी भक्ति के लिए। तीसरा बताया जाता है, वो बताया जाता है हिरण के बारे में, कि कैसे हिरण जो होता है उसको संगीत, मधुर संगीत, उसके जो कान होते हैं वो मधुर संगीत सुनने के लिए बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हैं। तो वो जो हिरण को पकड़ने वाला जो हंटर शिकारी, वो क्या करता है, वो बहुत अच्छा मधुर एक संगीत चलाता है, और हिरण वहां पे ऐसा एकदम मोहित होते हुए आता रहता है, और उसको ये नहीं पता चलता कि जो संगीत चला रहा है ये असलियत में मेरे को पकड़ने के लिए चला रहा है, लेकिन उसके कान की इच्छा होती है सुनने की, वो वहां पे मोहित होते हुए चले जाते हैं, और फिर जैसे ही वहां पे जाता है वैसे शिकारी फिर उसको पकड़ लेता है, है ना, उसको मंत्र मुग्ध करके। तो साउंड जो है, जो ध्वनि है, उसके बारे में तो हम बहुत सुनते हैं, यही मंत्र अगर हम कृष्ण के लिए गाएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र हमको कृष्ण के पास लेके जाएगा। लेकिन दूसरा मंत्र एक है, वो मंत्र क्या है, वो है निंदा का मंत्र। जब हम दूसरों के अंदर निंदा निकालते हैं, और कोई व्यक्ति निंदा निकालता है तो हमारे कान बहुत खड़े हो जाते हैं, है ना, कौन, अच्छा बताओ किसने किया, उसने किया, अच्छा उसको पता नहीं था, नहीं पता था, अच्छा ऐसे, तो वो कान उसका बहुत ही ज्यादा
अट्रैक्ट हो जाता है निंदा के लिए, साधु निंदा सुनने के लिए या किसी भी और भौतिक जगत की जो न्यूज है उनको सुनने के लिए, है ना। तो हम देख सकते हैं कि कैसे प्रभुपाद तो बोलते हैं कि हमको भागवतम इत्यादि वगैरह सब पढ़ना चाहिए, है ना, और उसकी न्यूज सुननी चाहिए कि कैसे हो रहा है, अच्छा रुक्मिणी जी का अपहरण हो रहा है, कृष्णा आ गए, कैसे हुआ अपहरण करके, ये सब कुछ सुनना चाहिए। लेकिन उसके विपरीत हम सुनते हैं अच्छा क्रिकेट का स्कोर क्या हो रहा है, या सेवा है तो उसके लिए किसी और को बोल सकते सुन के हमको बस संक्षिप्त में बता दे। लेकिन अगर हम अपने से सुन रहे हैं तो हमको समझ में आना चाहिए कि धीरे धीरे जिनसे हम सुन रहे हैं ना उनकी जो इच्छाएं है ना वो भी हमारे हृदय के अंदर आ रही है उसके साथ साथ, है ना। जैसे शुद्ध भक्तों से सुनने से जो भक्ति है वो हमारे कर्णों के अंदर से आ जाती है हृदय में, वैसे ही जो इस संसार का न्यूज और ये सब कुछ सुनने से क्या हो रहा है, वो जो संसारिक लोगों की जो भोग करने की इच्छा है वो हमारे अंदर आ रही है, और फिर हमारा भी रवैया भक्ति में भी कैसा हो जाता है जैसा उनका है ना। वो बाहर के लोग कैसे रहते हैं, वो बहुत ही पॉलिटिकल होते हैं, कोई भी चीज काम कराने के लिए बहुत तरकीब निकालते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, हिपोक्रिटिकल होते हैं, ये सब इंग्लिश में मेरे को वर्ड पता है, हिंदी में तो इसलिए, तो ये सब कुछ उनकी वृत्तियां होती हैं, और वही वृत्ति क्या आ जाती है एक भक्त के अंदर भी आ जाती है, क्यों, क्योंकि वो सुन रहा है यहां से श्रवण कर रहा है वो, और फिर क्या होता है वो भक्ति में भी ऐसे ही सोचने लग जाता है कि क्यों उसको ज्यादा, वो भूल जाता है कि मेरे को दासों का दास बनना है, उसको ये लगता है कि मेरे को बॉस के बॉस का बॉस बनना है, है ना। तो फिर वो कंपेयर करने लग जाता है कि मेरे को कम किया उनको ज्यादा फेवर किया, ये हुआ वो हुआ, वो भूल जाता है कि कृष्ण किससे खुश होने वाले हैं, गुरु किससे प्रसन्न होने वाले हैं, उसको ये भौतिक संसार के जो पैरामीटर्स है उसी से बहुत आकर्षण हो जाता है। तो इसलिए सुनना, है ना। फिर चौथा बताया जाता है हाथी का, तो हाथी इतना बलवान है, बहुत शक्ति है उसके अंदर, लेकिन उसको अपनी त्वचा से जो सुख प्राप्त करता है उसको बोलते हैं द प्लेजर ऑफ सेक्स लाइफ, वो बहुत आकर्षित करता है, और उसी के लिए जो शिकारी होता है, अभी हाथी को डायरेक्ट पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करता है वो एक हाथी को साइड में रख देता है, यहाँ पे हाथी है यहाँ पे हाथी है, और बीच में गड्ढा सा है बहुत बड़ा सा, उसको ढक देता है घास से और वो हाथी और हाथी को देख के भाग के आता है, लेकिन भूल जाता है कि गड्ढा और गड्ढे के अंदर गिर के उसको पकड़ लिया जाता है, इतना ताकतवर है। तो ऐसा बताते हैं एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज जी बता रहे थे कि कैसे ये जो बहुत सारे प्रकार के सुख हैं, भोग करने की जो चीजें हैं, लेकिन उसमें से जो स्त्री भोग की जो इच्छा है उसको अगर किसी व्यक्ति ने छोड़ दिया तो वो सबसे बड़ा समर्पण का चिन्ह है भगवान के प्रति उस व्यक्ति का, ऐसा बता रहे थे, क्योंकि वो भोग को छोड़ना बहुत आसान नहीं होता है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रहता है, तो हाथी उसे पकड़ा रहता है, बहुत बलवान है। तो कोई साधक हो सकता है बहुत ज्यादा बलवान हो, लेकिन ये जो काम वासना प्रभुपाद जी बोलते हैं बुढ़ापे तक भी नहीं जाती है, है ना। जैसे एक वो भक्त बता रहे थे कि कैसे ये जो हमारी जैसे बाल है सिर पे, है ना, वो बाल क्या काटते वापस उठ जाता है ना, फिर काटते फिर वापस हो जाए, तो वैसे काम वासना भी क्या हम कंट्रोल कर रहे हैं बहुत अच्छे से, सब कुछ करके लग रहा है अभी कंट्रोल हो गया, फिर वापस आ जाता है ना। और बुढ़ापे में बोलो, बुढ़ापे में भी गंजे नहीं होते, थोड़ा बहुत बाल तो आते रहते हैं, है ना, क्योंकि एंजॉय करने की प्रवृत्ति हमारी कम हो जाती है, लेकिन रहती तो है ही। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते लंदन में, उन्होंने देखा था कि कैसे बड़े बड़े लोग सब कुछ त्याग के लेकिन फिर वो नाइट क्लब में जाते हैं, तो ये हाथी के जैसा देखते हैं हम भी। बहुत कोई साधक बहुत बलवान हो सकता है भक्ति में, वो बहुत सारे श्लोकों का ज्ञान हो सकता है उसको, बहुत अच्छे से सेवा कर रहा हो सकता है, बहुत अच्छे से प्रचार सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है उसका, लेकिन ये जो आकर्षण है अपोजिट सेक्स के प्रति वो उसको कभी भी नीचे गिरा सकता है। और लास्ट, सभी समय हो गया, एक मिनट बचा है, लास्ट में बताते हैं वो उदाहरण दिया जाता है बी का। बी का मतलब मधुमक्खी का, मधुमक्खी का एक्सपीरियंस हमारे कृष्ण भगवान को, है ना, वो मधुमक्खी है ना, तो वो क्या करती है, वो मधु के पीछे मतलब उसका जो नेक्टेरियन स्मेल है ना, उसको बहुत आनंद आता है, तो वो क्या करती है, वो ढूंढते ढूंढते मधु कहाँ पर है, और वो फूलों के ऊपर बैठ जाती है, और फूल के ऊपर बैठ के वो सूंघने लग जाती है। अभी उसका काम क्या है, थोड़ा सा सूंघ के वापस आना है, लेकिन वो क्या करती है वहीं पर ही थोड़ी ज्यादा लंबे समय के लिए सूंघने लग जाती है, तो क्या होता है वो दिन छिपता है और वो फूल सब बंद हो जाता है,
और जब वो बंद हो जाता है तो मधुमक्खी उसी के अंदर करते घूमती रहती, लेकिन वो मर जाती है उसी के अंदर, बाहर नहीं आ पाती। तो वैसे ही हमारी भी इंद्रियां हैं, है ना, सूंघने की इसकी, तो उसको हमको भगवान का जो फूल है, भगवान का जो इत्र है, उसको सूंघने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, है ना, वरना वो भी हमारे को क्या कहते हैं, हमारे भक्ति से पतन करने का कारण बन सकती। तो अभी ये जो हमने सारी प्रॉब्लम है सुने, मैं लास्ट में बस एक चीज बता देता हूँ कि इनका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन, पहली चीज, ये हम सुन रहे हैं इतना सब कुछ, ये हमको सुनना चाहिए कि क्या क्या नुकसान है, क्या क्या तरीके हम लोग काम के वशीभूत हो सकते हैं। दूसरा जो एक बहुत पावरफुल सोल्यूशन है वो ये है कि हमको उन उत्साही भक्तों के संग में रहना हमेशा, है ना, जो मिलके इन काम वासनाओं से ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं। एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो श्लोक भी आता है भागवत में कि सताम प्रसंगात नहीं मम वीर संवितो नहीं, दूसरा महात्मा योषिताम श्री संगी संग, कौन से वो, हाँ, तमो द्वारा योषिताम संगी, हाँ, महत सेवम द्वारा मावर मित्र। तो ऐसे महत्व की, है ना, अभी वो महत खाली एकदम वरिष्ठ भक्त तो है ही, लेकिन बाकी भक्त भी हम देख सकते हैं, वो लोग प्रयास कर रहे हैं ना, तो उनकी भी अगर हम सेवा करेंगे, एसोसिएशन स्ट्रांग रखेंगे, तो माया हमको अपने आप वीक बना देगी। एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से इसी के बारे में बात चल रहा था कि कैसे महाराज जी ये कामवास लोग कैसे कंट्रोल करें, तो महाराज जी ने उत्तर दिया कि हमको भक्तों के संग में रहना है। तो महाराज बोले जहां जहां भक्तों का संग मिले वहां वहां चले जाना है। फिर महाराज काउंट करने लगे कि इसलिए कभी मंगल आरती मिस नहीं करना है, गुरु पूजा मिस नहीं करना है, क्लास मिस नहीं करना है, प्रसादम मिस नहीं करना है, हरिनाम मिस नहीं करना है, जहां जहां अभी कर सेवन मिस नहीं करना है ना, तो जहां जहां भक्तों का संग मिले वहां वहां आना है। और फिर महाराज जी ने बोला कि तब से मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया है, मैं आज तक कभी इस्कॉन मंदिर के बाहर नहीं रुकूं रात को, क्योंकि मेरे को हमेशा लगता है कि प्रभुपाद जी के मंदिर में ही रहना मेरे लिए सबसे ज्यादा सिक्योर जगह, और वो कभी मंदिर के बाहर नहीं रखे। ऐसा हम सुना था कि एक बार कैसे उनका ऑपरेशन हुआ था हार्ट का, तो डॉक्टरों ने बोला था आपको बाहर ही रुकना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने शिष्यों को बोला अरे मैं गुरु हूं, तुमको ऑर्डर करूँ, मेरे को लेके चलो मंदिर में, तो मंदिर में लेके आ गए थे उनके शिष्य उनको, है ना, वहां पे नहीं रहने दिया, क्या कहते हैं, हॉस्पिटल में, क्योंकि उनको पता है कि वो संग बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों का। और खाली गोपाल कृष्ण महाराज ने, हम बाकी भी जो वरिष्ठ भक्त हैं उनसे पूछेंगे कि क्या आपका कोई सीक्रेट बताइए, कैसे आपने काम वासना के ऊपर इतना विजय प्राप्त किया, तो बताएंगे कि हमने कैसे जो प्रभुपाद जी है जो काम से परे उन भक्तों का चरण बहुत टाइटली पकड़ के रखा है। तो ये एक इमीडिएट सोल्यूशन हमारे लिए बहुत ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिससे हम इन काम वासनाओं को जीत सकते हैं। और आपसे भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी हमारे लिए भी प्रार्थना करिए, जिससे कि ये जो सब मैंने बताया आपको, ये मैं भी इसको अपने जीवन में अपना पाऊँ, और ये जो इतना नित्य वैरी हमारा, उसको हम लोग किसी तरीके से कंट्रोल कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, शिल प्रभुपाद की। तो अभी प्रश्न उत्तर नहीं करेंगे क्योंकि कर से, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, ये सारी कृपा प्रभु का एक प्रश्न है। ठीक है, हाँ, हरे कृपा आपका प्रश्न को पूछ देंगे कि क्यों भगवान ने बनाया, ये ना ये प्रश्न है। हाँ, इसका उत्तर भी देते हैं। भगवान एक्चुअली क्या है, वो जब हम आध्यात्मिक जगत में थे तो वहां पे हमारी खुशी का तरीका था भगवान को सेवा करना, उस सेवा में खुशी थी। लेकिन फिर क्या हुआ, हमको ऐसी इच्छा आ गई कि हम भगवान को सेवा करके खुशी देते, क्यों ना डायरेक्ट ही खुशी प्राप्त करें डायरेक्ट ही भोग करके। तो भगवान ने बोला लेकिन ऐसा तुम्हारा प्रवृत्ति नहीं है, आपका ये नेचर नहीं है कि आप डायरेक्ट भोग कर सकते हैं। लेकिन हमने बोला नहीं, हमको करना है। और भगवान क्या है, हमारे जो पिता है ना, बहुत लविंग फादर है, तो एकदम कंट्रोल नहीं करना चाहते। तो इसमें उन्होंने बोला ठीक है, आपको भोग करना है, तो हमारे भोग को, इच्छा को हम जिससे थोड़ा बहुत कुछ कर सके, उसके लिए उन्होंने ये भौतिक संसार बनाया। और ये बताया कि देखो यहाँ पे भी तुम भोग नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ तुमको। लेकिन हमने बोला नहीं, फिर भी हम ट्राई करते हैं, तो ट्राई करने के लिए यहाँ पर आ गए। तो अभी हम सब लोग ट्राई कर रहे हैं, करेक्ट, अपनी स्वतंत्रता का हमने दुरुपयोग कर लिया उसका। हम लोग यहाँ आए हुए हैं, हम लोगों को वहां पे
मिल गया अभी प्रभुपाद जी की कृपा से हरे कृष्ण महामंत्र का, लेकिन उसको हमें पूरा तरीके से अपनाना है, बस चलना बहुत मुश्किल लगता है। थोड़ा देख लेते हैं रिकमेंडेड वो सब क्या है। एक्चुअली उसमें एक प्रवचन सुन रहे थे, उसमें इंटरेस्टिंग भी लगता है, मतलब वो बड़ा अट्रैक्टिव होता है। प्रॉब्लम करेक्ट, आप पूछ सकते हैं जो जो जिनके बच्चे हैं, आप देखेंगे वो बच्चा स्वाभाविक है गलत डायरेक्शन में चले जाता है ना, तो माता पिता उसको पकड़ के लेके आते हैं साथ में, है ना। जैसे हमारे किसी इतने सारे डिवोटीज आप पूछ सकते हो, बच्चा तो गलत काम करता है माता पिता, तो वैसे ही हमको क्या करना चाहिए, हमारे माता पिता के पास जाना चाहिए जो हमारे वरिष्ठ भक्त हैं, और उनको बोलना चाहिए प्रभु जी ये चीज मेरे को बहुत परेशान कर रही है। तो स्पेशली इंटरनेट सर्फिंग के लिए तो उनको फिर स्ट्रिक्ट एकदम वो विजिलेंस सिस्टम वहां पे लगाना चाहिए, और वो विजिलेंस सिस्टम के साथ साथ जो भी कुछ है पेरेंटल सिक्योरिटी लगाना चाहिए, और फिर उसको हमें, और फिर भी अगर वो व्यक्ति वो पेरेंटल सिक्योरिटी को तोड़ के कुछ काम कर रहा है तो फिर वो जिम्मेदार होगा। तो राधेश्याम प्रभु एक बार बता रहे थे कि पहले स्टेप में हमको वो पेरेंटल सिक्योरिटी और उसका विजिलेंस बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, और फिर अगर कोई भक्त उसको भी तोड़ के आगे जाए तो फिर हम उस भक्त को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, नहीं तो हम उसको भक्त को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते क्योंकि हमने उसको प्रोटेक्शन ही नहीं दिया। तो आपको अपने माता पिता के पास जाना चाहिए, मतलब घर वाले नहीं यहाँ वाले, और फिर उनसे बोलना चाहिए कि मेरे को हेल्प चाहिए, और आप ही देखिए तब हेल्प करेंगे तभी हम उसको आगे कुछ करेंगे तो फिर कुछ होगा स्ट्रांग, ऐसा ऐसा मेरा अंडरस्टैंड। बाकी प्रभु जी बता सकते हैं और कुछ कर सकते तो ठीक है। ठीक है प्रभु जी, यही एक तरीका, नहीं तो हम तो अपने बलबूते पे कर लेते तो फिर गोसा पे हो जाते हैं, इतना आसान नहीं है, एक प्रोटेक्शन तो चाहिए हमको। थैंक यू, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण।